एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सतनाम वाहिगुरु साहिब जी ओम तना श्री महला नावां अब मैं कौन उपाउ करो जेह बिद मन को संसा चूकै पौ निद पार परो रहाउ जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताति अधिक डरो मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जीय सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजयो पस जो उदर परो कहो नानक प्रभ बिरद पछान तब हम पतत तरो कहो नानक प्रभ बिरद पछान तब हम पतत तरो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे पावन मुखवाक बाणी मुखवाक शब्द अपा लड़ीवार रूप विच गुरमुख प्यारियां पासों सरवण कर रहे हैं। अज दा जो पावन शब्द तनासरी राग दे अंदर है चार शब्द गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने तनासरी राग दे अंदर उच्चारण किए ने जिन्हां दे विचों ये चौवें शब्द महाराज जदों जगत जलंदे नूं तारदे होए कांछी दे विच कुछ समा गए सन उत्थे सिख संगतां साधुआं ने बेनती की महाराज साढ़े भले का उपदेश दिओ। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अधिकारी जन जिवें सतगुरां दे चरणां ते बेनती करदे ने जिवें जगयासू की भावना है वो सतगुरु साहिब जी सानू सतगुरु दे अगे बेनती करन दी जिन्हां नूं जाच दसदे हुए शब्द उचारदे ने तनासरी महला नाम धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 685 दे उत्ते शब्द सुभायमान है। तनासरी राग दे अंदर नवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी परम पवित्र उपदेश देंदे हुए सानू समझाउंदे ने अब मैं कौन उपाउ करो। जगयासू कहिंदा अधिकारी भी हे सतगुरु जी महाराज अब हुण ये जिहड़ा मनुखा जन्म का मेरा काल है मनुखा जन्म का जो समा मिलिया इस समय दे विच मैं कौन उपाउ करो मैं वाहिगुरु नूं मिलन दा केड़ा उपाउ जतन हीला वसीला करां क्योंकि हीले वसीले तो बहुत कहे ने पर हे सतगुरु जी हे महाराज आप कृपा करके दसो भी वाहिगुरु नाल मिलन दा मैं कौन केड़ा उपाउ जतन करां केड़ा हीला वसीला करां जेह बिद मन को संसा चूका क्योंकि जिन्ना चिर मन में संसा पिया है उन्ना चिर वाहिगुरु नाल मिलाप नहीं हो सकता परमेश्वर नाल नहीं मिल सकते
ते जेहे विद जिस विधि दे नाल जिस प्रकार मन को संसा चूका है, मेरे मन दा सतगुरु जी जिहड़ा संसा है शक सुभा भरम भुलेखा जाए चूका की हुंदा भी चुकया जावे मेरे गलों लथ जावे ते भौ निध पार भरो। फिर महाराज जी मैं संसे चुके जाण तो बाद जिहड़ा भौ की है भयदायक जिथे डारी डर है ये भय दे देण वाला डर दे देण वाला निध की है समुंदर। जो भयदायक संसार समुंदर है पार परो महाराज ओ जुगती दसो जिस तरह मैं ये पार पै जावां संसार समुंदर तो। संसार समुंदर दे डर तो पार होना यही है भी जिहड़ा जीवन मुक्ति मिलनी है ते महाराज कृपा करके मैनूं ओ जुगत दसो जिस करके मैं संसार समुंदर तो जीवन मुक्ति रूपी किनारे ते जाके परो पै जावां भाव के जीवन मुक्ति रूपी कंडे दे पर जाके मैं खड़ जावां इस संसे भरम भुलेखे डर दे विच गोते ना खावां रहाओ विश्राम दे के गुरु तेग बहादुर साहब जी उपदेश बख्शिश करदे ने जन्म पाए कश भलो ना कीनो। हे गरीब नवाज सतगुरु जी ओ मनुखा जन्म पा के 84 लाख जूनियां च भरम के मनुखा जन्म मिलिया से पर इन्हों भी पा के कश भलो ना कीनो मैं कोई भी अपने जन्म जीवन दे विच भलो भला चंगा कोई परोपकार दा किसी दे भले वाला कोई काम कारज कीता ही नहीं है ताते अधिक डरो। इस करके मैं महाराज बहुत ही डरदा मैनू वो सारा कुछ दिखदा पिया है भी जिवें जम सजा दिंदे 18 कुंभी नरकां दे विच भेजिया जाता है। इस करके मैनू बहुत ही जमा का डर भै सता रहा है भी भला तो मैं कोई कर्म चंगा तो कमाया नहीं मनुखा जन्म च ना परोपकार किया है मान बच क्रम हर गुण नहीं गाए। हे सतगुरु जी वो मन करके भी हरी दे गुण नहीं गाए आप जी की आज्ञा अनुसार बच बचना करके बाणी करके भी परमेश्वर की सिफत नहीं कीती अते क्रम क्रम की है भी कर्म शरीर करके शरीर दे रोम रोम करके पूरा ऐन एकाग्र चित हो के मन बच क्रम तो पाप भी पूर्ण एकाग्रता नाल मन बाणी शरीर करके आप जी दे उपदेश द्वारा हर गुण नहीं गाए हरि परमेश्वर दे जेड़े गुण ने भी जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है ये सारे परमेश्वर दे गुण ने जिवें 10वें पातशाह कहिंदे दीनन की प्रतपाल करै नित संत उबार गनी मन गारै पछ पशु नग नाग नराधप सर्व समय सब को प्रतपारै पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचारै दीन दयाल दया निद दुखन देखत है पर देत नहार ए परमेश्वर दे गुण ने दा ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साढ़े भले लई अधिकारी मुख द्वारा कहिंदे हे सतगुरु जी हरि दे असी गुण भी नहीं गाउणा कीते यह जी असोच धरो यह ए जड़ी सोच की है चिंता यही फिक्र मैं अपने हिरदे च धारण करदा मैनू तो यही फिक्र पिया कि मेरा बनना की है मैं ना कोई गुण गाए ने ना सेवा ना सिमरन ना परोपकार किया है गुरमत सुन कश ज्ञान न उपजयो ते हे सतगुरु जी ओ गुरमत गुर सिखिया सुन के भी कुछ मैनू ज्ञान कोई आत्मक बोध आत्मक सोझी पैदा नहीं हुई कोई शक्ति अंदर पैदा नहीं हुई क्योंकि सिखिया मनी नहीं सिखिया कमाई नहीं सिखिया धारनी नहीं कीती गुरु की मत गुरु की सिखिया सुन के भी तो बांस वांग एक पासों जिवें कन्न च फूक वजी दूजे पासे निकल गई गुरु की मत सुन के भी कुछ ज्ञान कोई सोझी कोई बोध नहीं पैदा होया क्योंकि सिखिया धारनी सी कीती पास जो उधर भरो कहण नूं असीं जरूर थोड़े सिख हैं भी असीं तां सिख हैं साढ़े अरगा कौन है
पर असल विच महाराज जिवें पशु पशु हुंदे ने पशुआं दे वांग ही अपना उधर भरो ढिड भरन ते ही सीमित है। जिहड़े दो कर्म पशु करदे ने एक विषय भोगने ते एक पेट भरना, यही काम जिहड़ा मनुख करदा है वह नीच मनुखां च गिणिया जांदा। ते हे महाराज साहब जी पशुआं दी न्याई कर्म ने विषय भोग ले ढिड भर लिया ते ओ कहण नूं असीं सिख हाँ, चंगे चंगे पदार्थ खा के ढिड भर लैने आ, पेट भरियो पशुआ जो सोयो मनुख जन्म है हारियो। मनुखा जन्म असी महाराज अपना अजाई खराब कर रहे हैं। कहो नानक प्रभ बिरध पछाणो। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे ऐ परमेश्वर अगे हाथ जोड़ के हे अधिकारी सिखो बेनती करो, जे अपना भला चाहुंदे हो ऐवें बेनती करो भी हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ। कहो नानक प्रभ बिरध पछाणो। महाराज अपना जिहड़ा तुहाडा आदि दा मुढ़ दा ही बिरध है ना धर्म है, जो बख्शिंद जो महाराज पततां नूं पावन करन वाला तुसीं उहनूं पछाणो हुण, भाव कि कृपा करो तब हो पतत तरो। जदों तुसीं कृपा करोगे मैं पतत पतत की है भी डिग्गिया होया गरकिया होया वकारां दे विच, तदों महाराज साहिब जी मैं जो पतत हाँ पतत पापी जिहड़ा हाँ आप जी की कृपा का सदका तर सकदा, क्योंकि आप पतत पावन हो, पततां नूं गरकियां होया नूं नकम्मियां नूं भी पवित्र करन वाले हो। ते अपना धर्म संभालो महाराज, कर्म मेरे विच कोई भला नहीं है, कर्म चंगा कीता नहीं, तुसीं आप ही कृपा करके मैनूं पापी नूं बख्श के अपनी चरण शरण ला के ते नाम जपा के मेरी कल्याण करो। इवें एक चौथा शब्द तनासरी राग दे अंदर गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अधिकारी दस्या भी एवें अपने सतगुरु अगे बेनती कर तां तेरी कल्याण होवे। गुरु शब्द दी महानता बहुत है, गुरबाणी अगाध बोध है, कलयुगी सुभाव है साडा माया भी मत है। तो महाराज की बाणी की विचार करदे हुई अनेक भुलां गलतियां बख्श देनियां गुरु साहब गुरु की संगत आप गुरमुख प्यारे जिन्हें भी ग्रुप में सब बख्शनहार बख्श लैना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।